समय पहले किसी गांव में बब्बन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह दिन भर नदी के किनारे लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर अपना पेट पालता। एक दिन जब वह लकड़ियां काट रहा था तो अचानक नदी का पानी बढ़ने लगा और देखते ही देखते पानी उसके पास आ गया। ए भगवान, ई का देख रहा हूँ, ये पानी तो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। तभी अचानक एक बोतल तैरती हुई उसके पास आई और जब उसने बोतल को खोलकर देखा तो उसमें एक नक्शा निकला। ई का है, लगता है कोनु खजाने का नक्शा हुई जैसे। बब्बन ध्यान से नक्शे को देखता है और कहता है, अरे ये तो पास ही के जंगल का नक्शा लग रहा है। हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए, शायद कोनु खजाना हाथ लग जाए, हमको इस जगह जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर बब्बन तुरंत ही उस नक्शे में दी हुई जगह की तलाश में निकल पड़ता है और कुछ ही समय में उस जंगल में पहुंच जाता है और फिर खजाने को तलाशने लगता है। बब्बन हर तरफ ध्यान से देखता है पर दूर दूर तक खजाने का कोई नामो निशान नहीं था। लगता है कौनू हमारे साथ फिरकी ले रहा है, और हमारा किस्मत भी इतना अच्छा कहा कि कौनू खजाना हमारे हाथ लग जाए। और वैसे भी ई सूरज भाभी अपने घर निकल रहा है, अब हमको भी निकलना चाहिए। ऐसा सोचकर जैसे ही बब्बन चलना शुरू करता है तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वह रुक जाता है और चारों तरफ ध्यान से देखता है और सोचता है, अरे कौन है भाई, है? चुपचाप सामने आ जाओ वरना लगाई दो चार कान पट्टी पे। अरे बब्बन जी, आप तो बेवजह नाराज हो रहे हो, मैं तो आपको खजाने का रहस्य बताने आई हूँ। बब्बन चुड़ैल को देखकर थोड़ा घबरा जाता है पर हिम्मत करके बोलता है, कौन हो तुम और ये खजाने का रहस्य तुमको कैसे मालूम? मैं उस खजाने की मालिक हूँ, और देखो ना, अब वो खजाना मेरे किसी काम का नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वो खजाना ले लो। अब बब्बन के डर की जगह उसके लालच ने ले ली थी। उसके मन में हीरे जवाहरात की तस्वीरें घूमने लगी थी। तभी चुड़ैल बोलती है, देखना चाहते हो मेरा खजाना? इतना खजाना है कि तुम माला माल हो जाओगे। चुड़ैल का इतना बोलना ही था कि बब्बन का लालच चरम सीमा पर पहुंच गया। हाँ जरूर जरूर, काहे नहीं, दिखाइए हमका भी खजाना दिखाइए। चुड़ैल अपना हाथ हिलाती है तो उसके सामने ढेर सारा खजाना आ जाता है। अब इतना सारा खजाना देखकर बब्बन बहुत खुश होता है और कहता है, अरे 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 अरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा, तुम खजाना ले जाओ और मैं एक हफ्ते बाद तुम्हारा खून पीने आ जाऊंगी। ये सुनकर बब्बन ऊपर से नीचे तक हिल जाता है। ईका कह रही हो? अरे नहीं नहीं, हमका कौनू खजाना नहीं चाहिए, ऐसा खजाना जो हमारी जान ही ले ले। तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारा खून पीकर तुम्हारा काम तमाम कर देती हूँ। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, इतना भी कौनू जल्दी नहीं, थोड़ा थमिए तो सही। ठीक है, पहले वाला ऑप्शन ही बढ़िया है। ऐसा कहकर बब्बन खजाना लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे एक परी मिलती है। वो कहती है, अरे कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? परी को देखकर बब्बन को थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वह सारी आप बीती परी को सुनाता है। अच्छा, तो उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, लगता है पिछली वाली वार्निंग भूल गई है वो। ये सुनकर बब्बन खुश हो जाता है। तुम वापस उसी जगह चलो और डरना नहीं, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगी। और जैसे ही वो सामने आएगी
मैं उसे कैद कर लूंगी। बब्बन वापस चुड़ैल वाली जगह पहुंच जाता है और उसे बुलाता है। अरे वाह, तुम वापस आ गए। अच्छा है, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, तो क्यों ना ब्लड शेक पी लिया जाए। ऐसा कहकर चुड़ैल आगे बढ़ने लगी। तभी परी ने अपने जादू से उसे एक मायावी गोले में कैद कर दिया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? निकालो, निकालो मुझे यहाँ से। मैंने तुम्हें पिछली बार वार्निंग दी थी कि इंसानों से दूर रहना, लेकिन तुम नहीं मानी, तो अब इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी और बराबर मिलेगी। पर मैं तो सिर्फ लालची इंसानों को अपना शिकार बनाती हूँ। ये सुनकर बब्बन के होश उड़ गए। अरे नहीं नहीं, अब से हमको कोनू लालच नहीं, हमका तो बस यहाँ से जाने दो। ठीक है बब्बन, तुम इस खजाने को ले जाओ और इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के कामों में ही करना। इस चुड़ैल को तो मैं परी लोक की जेल में बंद करूंगी। ऐसा कहकर परी उस चुड़ैल को लेकर उड़ जाती है और बब्बन अपने घर की तरफ खजाने के साथ निकल पड़ता है। कुछ ही समय में बब्बन गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाकर उस खजाने का भलाई में उपयोग करता है और फिर कभी लालच नहीं करता। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत करके ही धन कमाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।